चाय 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 चाय। मैडम, वो दीप्ति चौधरी के केस का क्या हुआ? उसका भाई न्यायाधीश शरीफ आदमी है। मैडम कुछ भी करके आप केस को खामोश कर दिए, समझे कि नहीं? आपका हुकुम सर आंखों पर है, सच्ची में। आपका कोई और हुकुम है तो हमको वो भी बताइए ना, क्या ना हम ना अच्छे से ना ये थाने का संचालित नहीं कर पा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए। अरे नहीं मैडम। अरे कहा नहीं, नहीं तुम किसी से कम हो का, बैठो आराम से बैठो, तशरीफ रखो अपना। माँ कसम राजा जैसा फील हो रहा मेरे को। तो एक काम करो, राजा जैसा फील आ रहा ना तो पैर भी फैला दो। लाइफ में फर्स्ट टाइम गलती हो गई मेरे से। मैडम मैं माँ का बाप का सबका कसम खा के कहता हूँ, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। भाग यहाँ से। क्या ही तुमको ज्यादा हंसी आ रहा बिल्ले? नहीं, वो संतोष जी ने जब से वो मैडम सर और डीएसपी सर की वो चाय की चुस्की वाली बात बताई ना, तब से हंसी रुकी दे रही है। एक सेकंड, तुमको किसने बताया ये वाला बात? संतोष? पुष्पा जी ने। पुष्पा जी तो गई हुई है ना अपने मामा के बेटे की शादी में कानपुर, तो कहाँ से बता दिया उन्होंने? हाँ, जाने से पहले फोन पे बताया था मुझे। मतलब जाते जाते भी उकसाने के लिए तुम लोगों को रख के गई हमारे लिए, इनकी तो ना अपनी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, इस दीप्ति के केस का क्या हुआ? जैसा हमने आपको बताया था कि हमें थोड़ा डाउट था उसके ससुराल वालों पर, तो हम पूछताछ करने गए उसकी मेड से। ससुराल वाले पूरे क्लीन है, पर हाँ एक बात हमको पता चली कि दीप्ति रोज शाम को छुप छुप कर गांधी गार्डन जाती है अपनी माँ उषा से मिलने। क्या? लेकिन उसकी माँ तो कल यहाँ बैठकर अपनी बेटी के बारे में इतना भला बुरा कह रही थी। हमको समझ में नहीं आ रहा मैडम सर, यहाँ गालियाँ दे रही थी, वहाँ गाजर का हलवा खिला रही थी अपने हाथों से। इसका मतलब माँ बेटे के सामने बेटे का साथ देती है ताकि उसकी नजरों में खलनाई का ना बने, लेकिन असलियत में वो साथ दे रही है अपनी बेटी दीप्ति का, जो यहाँ आई थी अपने भाई के खिलाफ केस लिखवाने की वो उसके पिताजी की जायदाद हड़प रहा है। जी, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये गुत्थी अब ये माँ बेटी ही सुलझा सकते हैं। बुलाइए दोनों को थाने। जी मैडम सर। एंड चीता, मेक श्योर कि जब दीप्ति साथ में हो तो उनके आसपास कोई सामान ना हो, फिर से वो गुस्से में आकर और कुछ तोड़ ना दे। इसलिए जब तुम्हें लगे कि दीप्ति गुस्से में आ सकती है, उनके आसपास से सारा टूटने लायक सामान प्लीज हटा देना। संतोष को इशारा कर देना, वो कर देंगे, ठीक है? इशारा? इशारा तो हम कब से कर रहे हैं मैडम सर, हम कितना ज्यादा इशारा किए लेकिन सामने वाला समझता ही नहीं। वैसे भी हम थाने में और कोई सामान टूटना अफोर्ड कर नहीं सकते, बजट पता नहीं कब पास होगा। पुष्पा जी कहाँ हैं? जी, उन्होंने पिछले महीने एप्लीकेशन दिया था, उनको शादी पे जाना था कानपुर अपने मामा के बेटे की शादी पे, वहीं गई। हाँ हाँ, दिया था उन्होंने एप्लीकेशन, हम भूल गए। ठीक है, बुलाइए दोनों को थाने। इशारा तो समझिएगा ना संतोष जी। अरे वो भाई साहब कहाँ है जिनसे कल काम की बात हुई थी? अरे वो फालतू आदमी ऐसे कहीं पे भी घूमता रहता है। क्या क्या बोले? फालतू आदमी नहीं है वो, काम से घूमते हैं। आइए सर, आइए, बैठिए। हमारा काम हो जाएगा ना सर, हमारा केस रफा दफा हो जाएगा ना। देखो, केस को रफा दफा करने के लिए आस की नहीं प्रयास की जरूरत पड़ती है, प्रयास। लाया हूँ सर। लाया हो? वाओ ब्यूटीफुल। देखो मैं अभी अंदर ही था तो आपकी माता जी और आपकी बहन जी इसी केस के बारे में बातचीत चल रही थी, तो मैंने अंदर बात की है। बस यहाँ 5,000 अंदर, वहाँ तुम्हारी बहन प्रॉपर्टी से बाहर, बस 3,000 काम होने के बाद। क्यों है? नहीं ना? दे दो आराम से, कोई देख ना ले। सर दीजिए, हम गिन के देते हैं। गिन हम थोड़ा आधा 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 गिन लेते हैं, हम वजन से ही गिन लेते हैं। करेक्ट है, 5,000। सर हमारा काम कंफर्म हो जाएगा? अरे हो जाएगा, मतलब क्या हो गया? देखिए महिला पुलिस थाने में ना मैडम सर बस नाम से ही बड़ी है, बाकी इसमें मेरा रुतबा सबसे ऊपर है। मैंने मैडम सर को सब समझा दिया है, केस आपके हक में होगा। मैडम ये सच है कि हमारे और मम्मी के विचार प्रेग्नेंट हैं। डिफरेंट? सेम डिफरेंस। मैडम सर, हमारा अपनी माँ से बात ना करने का कारण भी आकाश भैया ही हैं। उनके प्रति ममता दिखाने के लिए मम्मी को झूठ मूठ का हमारे खिलाफ होना पड़ा। इस बात से हमें इतना गुस्सा आता है
कि मेरा दिल करता है हम किसी का सर तोड़ दें। हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन आप शांति से एक बात बताइए दीप्ति, आप सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं? No, nose, nose, noses at all, madam, noses at all. हमारे पिताजी चौधरी जसवीर हनुमान अखाड़ा चलाते थे, उन्हीं की निगरानी में हमने भी पहलवानी सीखी। बाबूजी का ये सपना था कि हनुमान अखाड़ा पवन की तरह निरंतर चलता रहे, कभी रुके नहीं। लेकिन आकाश भैया खड़ा नहीं चला सके। पिताजी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। ये सपना हम पूरा करके रहेंगे, ये सपना हम छोड़ने नहीं देंगे। आप शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो दीप्ति, बात समझो, रिश्ते जो है मजबूत खंभों की तरह होते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाओगी तो टूट जाएंगे। हाँ, और ये सब बातें आपने अपने भैया को काहे नहीं बताई? हम बताए थे मैडम सर, हम बोले थे कि दीप्ति अखाड़े के कामकाज में हाथ बटाना चाहती है, पर उसके अभिमान को ठेस लगी और कहा कि औरतें अखाड़ा नहीं चलाती और ना ही वो चलाने देगा। अब इस सब के बाद तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था, औरतों से दो गज की दूरी रखते रखते उसने परिवार को ही अपने आप से दूर कर दिया। मैडम सर, आप हमें 5 मिनट दीजिए आकाश के साथ, 2 गज की दूरी से ऐसा कंटाप मारेंगे ना 6 गज की दूरी में जाके गिरेगा, बता रहे हैं आपको। नहीं करिश्मा सिंह, माना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन जज्बात से जरूर मानते हैं। बुलाइए आकाश को थाने, हम उससे बात करेंगे। दीप्ति, तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा और तुम अपने पिताजी के सारे सपने पूरे भी कर पाओगे। देखो आकाश, हम ये सारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ गए और हमने ये फैसला किया है कि दीप्ति को उसका हक दिलाने में हम दीप्ति के साथ हैं। हमारे हिसाब से हम आपको 2 ऑप्शंस दे सकते हैं। पहला, आप और आपकी बहन साथ मिलकर अच्छे से शांति से इस अखाड़े को चलाइए, और दूसरा, आप दोनों अपने अपने अलग अलग टाइमिंग फिक्स कर लीजिए और फिर उस हिसाब से अपनी बैचेस को ट्रेन करिए। अगर कानून यही चाहता है तो ठीक है मैडम सर, ठीक है मैडम सर, चलते हैं, चलो। ये तूने सही नहीं किया दीप्ति, परिवार वालों की कमर तोड़ के अपना हक ले गई। अम्मा चलो, हम कह रहे हैं ना, अब भी वक्त है, संभल जा। अम्मा चलो। करिश्मा सिंह, आप दीप्ति के साथ जाइए, मेक श्योर कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना। जी